Now today we study about Dipnoi and their affinities. Firstly, we know that what is the meaning of Dipnoi? जिसका ये नाम से ही पता चल रहा है डिप्नोई का मतलब क्या हुआ डाई का मतलब क्या होगा टू और पनोई का मतलब होता है वृद्धि ठीक है यानी कि जो दो ब्रीदिंग हो टू ब्रीदर हो उसको क्या कहेंगे डिप्नोई कहेंगे टू ब्रीदर इट मींस कि दे टेक रिस्पिरेशन From gills as well as lungs, ठीक है? ये जो है लिंग gills और lungs दोनों organ के द्वारा ये respiration करता है, इसलिए इसका नाम diploid है क्योंकि इसमें दो इसके body में दो organ हैं जो respiration में help कर रहा है, एक तो gills भी है और दूसरा lungs भी है, तो दो organ के द्वारा ये जो है वो रिस्पायरेशन करना है इसलिए इसका नाम क्या रखे टू ब्रीदर या फिर डिप्नोई डिप्नोई आल्सो कॉल्ड लंग्स फिश बिकॉज इट टेक रिस्पायरेशन फ्रॉम लंग्स सो इट इज कॉल्ड लंग्स फिश डिप्नोई से पहले कौन है फिश और डिप्नोई के बाद कौन है एम्फीबिया डिप्नोई के बाद आता है एम्फीबिया यहाँ से लिंक होता है ठीक है एम्फीबिया का अंकल कहते हैं डिप्नोई को और इसके फोर फादर कौन है क्रोसोप्टेराइडी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है एक कहानी की तरह है थोड़ा सा एफिनिटी में एफिनिटी भी ये है कि जो फिश का कैरेक्टर ऑलरेडी बता चुके हैं एम्फीबिया का कैरेक्टर ऑलरेडी बता चुके ठीक है और ये उसके बीच का है डिप्नोई का मतलब हम लोग जान लिए इसका मतलब टू ब्रीदर जो दो ऑर्गन के द्वारा ये अपना रिस्पायर करेगा उसको डिप्नोई कहेंगे डिप्नोई को लंग्स फिश भी कहते हैं एक कहानी है कहानी सुनो ठीक है मिड डिवोनियन पीरियड की बात है कब की बात है मिड डिवोनियन पीरियड की बात मिड डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ कि जो क्रोसोप्टेराइजी था ठीक है वो जो है सेट आउट हो रहा था मतलब वो जहां खत्म हो रहा था वहां से एक ब्रांच निकल रहा था ठीक है मान लेते हैं कि क्रोसोप्टेराइजी का ये है साइकिल ये चल रहा है ये जहाँ पे एंड पोजीशन पे आया यहाँ से एक स्टीम निकल गया ब्रांच निकल गया और ये ब्रांच जो है ये डिप्नोन्स बनाया यानी डिप्नोई ठीक है डिप्नोन्स बनाया ग्रुप ऑफ डिप्नोई इज कॉल्ड डिप्नोन्स ठीक है बहुत सारे डिप्नोई को डिप्नोन्स बोल रहे हैं ठीक है जैसे जहां से ये क्रोसोप्टेराइजी अपना आ रहा था आते आते क्या हुआ क्रोसोप्टेराइजी अचानक से ये अपना एक्सटेंड करने लग गया और यहाँ से जहाँ से उसका सेट आउट होना स्टार्ट हुआ वहां से जो है ये डिप्नोन्स की अराइजेज हुआ यहाँ से ये स्टार्ट हुआ उसके बाद मिड डिवोनियन पीरियड के बाद आता है परमियम और ट्राइसिक परमियम एंड ट्राइसिक ट्राइसिक ठीक है अब इसके दौरान इस टाइम के दौरान क्या हुआ कि जो ये डिप्नोन्स था इसका नंबर जो है ना मॉडरेटली जो है वो ये फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट हुआ क्या हो गया मॉडरेटली फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट हुआ तो मॉडरेटली फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट हुआ मॉडरेटली का मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा ठीक है ऐसा नहीं अचानक से इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई या अचानक से इसकी संख्या बहुत ज्यादा घट गई तो मॉडरेटली ये फ्लोरिस करने लगा इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई और बढ़ते बढ़ते इस दौरान जो है ये मिल गया आज जो हमें फोसिल्स मिलते हैं डिप्नोन्स का हम पता करते हैं कि ये डिप्नोई कब आया था ठीक है उसका हमें प्रूफ मिलता है ये कि जो मिड डिवोनियन पीरियड के दौरान का हमें फोसिल मिलता है ठीक है और ये फोसिल जो है इसको कहते हैं डिप्टेरस डिप्टेरस ठीक है इस फोसिल को क्या कहते हैं डिप्टेरस यानी कि जो प्रूफ देता है कि डिप्नोन्स कब ओरिजिन हुआ था कब आया इस दुनिया में वर्ल्ड में तो ये जो एनिमल्स हैं जो ये डिप्टेरस हैं ये प्रूफ करता है कि मिड डिवोनियन पीरियड में इसकी ओरिजिन हुई है फ्रॉम स्टीम ऑफ क्रोसोप्टेराइजी ठीक है वेयर क्रोसोप्टेराइजी बिकम एक्सटिंक्ट मतलब जहाँ से क्रोसोप्टेराइजी जो है वो खत्म होने के कगार पे है वहां से एक नया ब्रांच स्टार्ट होता है एक नए एनिमल की ओरिजिन होती है दैट आर डिप्नोन्स ठीक है और जो हमें फोसिल्स मिलता है मिड डिवोनियन पीरियड का
फोसिल्स किसका क्या नाम है, डिप्टेरस। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि उस टाइम में ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो इस टाइम के टाइम का ये डिप्नोन्स है, डिप्टेरस। अब इस टाइम में मॉडरेटली ये फ्लोरिस्ट हुआ है तो इस टाइम का भी फोसिल्स होना चाहिए। तो इस टाइम का जो फोसिल्स है उसको कहेंगे सीराटोडस, सीराटोडस। सीराटोडस जो फोसिल है वो इस टाइम का है, ट्राइसिक का, ठीक है, ट्राइसिक टाइम का सीराटोडस है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीराटोडस बना है ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, डिप्टेरस से, क्योंकि इससे पहले यही आया था इस पीरियड में। यही जो है इस टाइम में आते आते मॉडरेटली फ्लोरिस्ट किया जो सीराटोडस कहलाया। यही सीराटोडस जो है वो पूरे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ठीक है। वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो इसका आज सिर्फ तीन स्पीसीज प्रेजेंट है, तो सॉरी तीन जीनस प्रेजेंट है। तीन जीनस में जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेपिडोसायरेन, ठीक है, लेपिडोसायरेन। दूसरा है प्रोटोप्टेरस, तीसरा है नियोसीरा टोडस, ठीक है। जो लेपिडोसायरेन है ये साउथ अमेरिकन फिश है, जो प्रोटोप्टेरस है वो साउथ अफ्रीकन फिश है, और जो नियोसीरा टोडस है ऑस्ट्रेलियन फिश है। अब बात ये है कि ये न्यू सेराटोडस, ये सेराटोडस से आया न्यू सेराटोडस, देन प्रोटोप्टेरस, देन लेपिडोसायरेन, ठीक है। जब हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, जो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन होगा इस तरह से, तो यहाँ पे न्यू सेराटोडस प्रेजेंट होगा, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में प्रोटोप्टेरस होगा, और लेपिडोसायरेन जो है साउथ अमेरिका वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। तो देयर दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशंस, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कौन कहाँ था, कहाँ से आया और अभी प्रेजेंट है तो कहाँ है। क्लियर है, एक बार फिर से समझाएं, ये एक बार बता देते। मिड डिवोनियन पीरियड का समय है, आराम से कहानी है, बिल्कुल सिंपल वाला, हाँ आराम से सुनो। डिवोनियन पीरियड का टाइम है, उस समय जो क्रोसोप्टेराइजी है जिसको कि एम्फीबिया का फोर फादर कहा जाता है ना, उसी से ये डिप्नोई बना है, क्रोसोप्टेराइजी से ही कहा जाता है कि इवॉल्व हुआ है। क्रोसोप्टेराइजी का जहाँ पे वो खत्म होने की कगार पे, वहाँ से एक ब्रांच निकलता है जो डिप्नोई बनाता है, डिप्नोन्स, वहाँ से ओरिजिन होती है डिप्नोन्स का। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है इस पीरियड, इस डिवोनियन पीरियड के बाद ये टाइम आता है परमियम और ट्रासिक। ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कि ये है, ठीक है, वहाँ भी बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या चीज़। परमियम और ट्रासिक जो है ये वाला टाइम आया, इस टाइम में क्या हुआ कि जो डिप्नोन्स थे वो फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट हुआ, मॉडरेटली जो है वो फैलना स्टार्ट हुआ, उसकी संख्या बढ़ने लगी। अब यहाँ तक तो कहानी है कि वो फ्लोरिस्ट हुआ, लेकिन जो फ्लोरिस्ट हुआ हम कैसे जाने कि फोसिल्स इस टाइम में था, ये डिप्नोन्स था या इस टाइम में था, तो उसके लिए ये फोसिल्स मिला जिसको कहते हैं डिप्टेरस, और ये डिप्टेरस इस टाइम का फोसिल है, मिड डिवोनियन पीरियड का फोसिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिप्टेरस है उसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, किस पीरियड में, मिड डिवोनियन पीरियड में इसकी ओरिजिन हुई है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद ये तो मिड डिवोनियन पीरियड का फोसिल हो गया। अब हो सकता है कि मिड डिवोनियन पीरियड में ये एक्सटिंक्ट कर गया हो, उसके बाद ये नहीं फ्लोरिस्ट हुआ हो। हम नहीं मानने के लिए तैयार है कि इस टाइम में आया था, क्योंकि वी हैव नो एनी एविडेंस प्रूफ टू से कि इस टाइम में कोई है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे इसका भी फोसिल्स मिला, सेराटोडस, जो हमको प्रूफ दिलाता है कि नहीं, इसकी ओरिजिन, इसकी जो है इस टाइम के दौरान भी ये था, और यहीं से आज के डिप्नोइंस जो है उनकी ओरिजिन हुई, और अभी जो है इनकी संख्या तीन है, तीन जीनस का जो डिप्नोन्स है यानी लंग फिश है वो प्रेजेंट है, दैट इज न्यूसेराटोडस, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसायरेन। तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पे है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये अभी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है, ना अररिया में, ना पूर्णिया में, ना कटिहार में, मतलब ना बिहार में है,
ना यहाँ है, ये है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में। तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक एग्जांपल है। तो डिसकंटिन्यूअस में बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, स्पिनोडोन भी पढ़ा है, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, इस बार नहीं आया है, आ सकता है। ठीक है, तो न्यू सेरेटर्स ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया जाता है, प्रोटोप्टेरा साउथ अफ्रीकन रीजन में पाया जाता है, लेपिडोसॉरस साउथ अमेरिकन रीजन में पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वी डिस्कस द एफिनिटी ऑफ डिप्नोई विद फिश एंड विद एम्फीबिया एंड द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ डिप्नोई आल्सो। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द एफिनिटी ऑफ डिप्नोन्स। व्हाट इज द मींस ऑफ एफिनिटी? एफिनिटी मींस the organism which having character are some similar to the previous ones and some similar to the after ones. यानी जो animals के बारे में हम affinity पढ़ रहे हैं, जैसे dipnoi के बारे में पढ़ रहे हैं, तो dipnoi से पहले कौन आता है? fish आता है। तो जो fish का character से क्या match कर रहा है इसमें character और क्या differences है, और इसमें amphibia इसके बाद आता है, तो amphibia से क्या similarities और क्या differences है। सबसे पहले हम लोग fish के fish से क्या क्या ये affinity show करता है वो देखते हैं। फिश का बॉडी स्पिंडल सेपेड और स्ट्रीमलाइन होता है, इसका भी बॉडी स्पिंडल सेपेड और स्ट्रीमलाइन होता है। ड्रॉ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है, कैसा होता है ये डिप्नोन्स। इसका बॉडी स्पिंडल सेपेड और स्ट्रीमलाइन होता है जैसा फिश का होता है। लोकोमोशन फिन में से होता है, डिप्नोई में भी लोकोमोशन फिन से होता है। बॉडी कवर्ड विद साइक्लॉइड स्केल, डिप्नोई में भी जो साइक्लॉइड स्केल्स इसके बॉडी में प्रेजेंट होंगे। नोटोपोर प्रेजेंट है, नोटोपोर प्रेजेंट होगा। स्कल विद लिटिल ऑसिफिकेशन होगा। पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट्स तो पता ही है, सारे एग्जाम में जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उसे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा। एंड कोडेटा का कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन करेगा, या गिल रिस्पायरेशन, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होगा। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन ऐसा होता है, फिश देखा है सबने, ठीक है। ये फिश जो होता है यहाँ से ये आई होता है और यहाँ से ये लेटरल लाइन सेंस यहाँ से काम करता है। मतलब बीच में देखोगे कि जो फिश होता है उसके बीच से एक लाइन गुजरती है, उसी वो लाइन को कहते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो ये हो गया फिश का एफिनिटी, फिश का कैरेक्टर जो कि डिप्नोई के साथ एफिनिटी शो करता है। उसके बाद आते हैं एम्फीबिया के कैरेक्टर की, एम्फीबिया से कौन कौन सा कैरेक्टर है जो डिप्नोई से एफिनिटी शो करता है। ये सेमी एक्वाटिक होता है, यानी कि लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। उसी तरह डिप्नोई भी है, लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी, तभी इसमें लंग्स जनरेट हुआ, नहीं तो लंग ही नहीं होता, गिल्स नहीं रहता। इसमें भी इंटरनल नोस्ट्रिल है उसमें प्रेजेंट होगा, तभी तो लंग्स रिस्पिरेशन हो रहा है। ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन हुआ, ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन हो गया मतलब कि पैलेटो क्वाड्रेट बोन होता है, ठीक है, जिसको पैलेटो का मतलब तालू हो गया। तालू का जो बोन जो होता है वो स्कल के साथ फ्यूज कर, यानी क्रेनियम के साथ फ्यूज कर जाता है। इस तरह से ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है। इसमें मल्टी सेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, क्यूटेनियस लार्वा में क्यूटेनियस गिल्स प्रेजेंट होगा। पल्मोनरी लंग्स रिस्पिरेशन होगा, पल्मोनरी लंग रिस्पिरेशन होगा। दूसरा डर्मल स्केल एपोडा में प्रेजेंट होता है, ओरिकल तथा ओरिकल और साइनस वेनोसस पार्शियली डिवाइड होगा, ठीक है। ओरिकल साइनस वेनोसस याद है ना, ओरिकल साइनस वेनोसस पार्शियली डिवाइड होगा। पेरिकार्डियम इसका थिन और पेरिकार्डियम यानी हार्ट का जो वाल होगा वो थिन होगा। वेंट्रल एओर्टा शॉर्ट होगा, वेंट्रल एओर्टा सब याद है, हार्ट पढ़ा चुके हैं, वेंट्रल एओर्टा शॉर्ट होगा। और इसका जो एप का जो स्ट्रक्चर होगा और जो डेवलपमेंट होगा उसका जिस तरीके से होगा वैसा ही इसमें डिप्नोई में भी होगा। अब इन दोनों के अलावा भी डिप्नोई में एक स्पेशल कैरेक्टर है जो औरों से अलग बनाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में, सब ह्यूमन बींग्स में जो है सभी चीज़ें लेग से जो भी प्रेजेंट होता है वो सब प्रेजेंट होता है, कुछ कैरेक्टर होता है जो एक दूसरे से अलग बनाता है। उसी तरह यहाँ भी डिप्नोई है, जिस अगर ये दोनों से अलग नहीं होता तो इसको अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं थी, या तो फिश में रख देते या फिर में रख देते। तो इन दोनों के अलावा भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए इसको अलग से डिप्नोई में रखें। डिप्नोई में टू पेयर नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, बताएंगे कि जिसके द्वारा ये लंग्स स्पर्शन करेगा, सांस लेगा तो लंग्स में जाएगा। क्लोका प्रेजेंट होगा, क्लोका जहाँ पे एक्सक्रीटिंग मटेरियल स्टोर होता है। टीथ अब्सेंट होगा, एम्फीबिया में टीथ प्रेजेंट होता है, बताए हैं होमोडोन टाइप टीथ। हाँ, इसमें जो है पेयर फिन्स फ्लैशी होगा, जैसा फिश में होता है वैसा ही होगा। इसमें फिन्स जो होगा वो प्रेजेंट काउडल रीजन में होगा, एनल रीजन में होगा, डायग्राम के साथ बताएंगे, ठीक है। पेयर फिन्स फ्लैशी होगा, इसमें लंग्स प्रेजेंट होगा, हॉट थ्री चैम्फर्ड होगा, टू ओरिकल और
वेंट्रिकल होगा, नोटोकोर अनकॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, लैप द सेंट्रा होगा, यानी जो नोटोकोर होगा कि अब वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे से वर्टिब्रेट ही आता है, ठीक है। तो नोटोकोर जो है वो रिड्यूस होकर के वर्टिब्रल कॉलम में बनना फॉर्म होना स्टार्ट होगा। ऑटोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन वो अभी यहाँ बताए ही, बोथ मैक्जिला और प्री मैक्जिला बोन इसमें अब्सेंट होगा, इसमें नहीं होगा। दीज आर द एफिनिटी ऑफ डिप्लोई विद फिश एंड एम्फीबिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद जो है डिप्नोई का क्लासिफिकेशन, डिप्नोई जो है वो उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखना है वो भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक रिलेटेड टू डिप्नोई।